तैयारी हो रही है। बगल में जहां कल से कथा शुरू होनी है वहां पर पंडाल लगना शुरू हो गया। 2,40,000 वर्ग फुट में कथा का पंडाल लग रहा है। लगभग 1,00,000 वर्ग फुट में अन्नपूर्णा का पंडाल लग रहा है। और आप लोगों को दिक्कत होती थी, पार्किंग 3 किलोमीटर पहले रुका दी जाती थी। इस बार की यज्ञ में और आयोजन में महाकुंभ में किसी को पैदल नहीं चलने देंगे। कार्यक्रम के पीछे 40 एकड़ की पार्किंग बनाई जा रही, 500 मीटर पैदल चल करके तुम कार्यक्रम में सम्मिलित हो सकते। और प्रतिदिन भंडारा, प्रतिदिन 108 कुंडी यज्ञशाला बनना शुरू हो गई है, बहुत बड़ी, 130 बाई 130 और लगभग 35 फुट ऊंची यज्ञशाला बन रही है। पंजाब के कारीगर आए हैं और यज्ञशाला बनना प्रारंभ हो गई है। यज्ञशाला में 108 कुंडी यज्ञ होगी, अमर जवान भारत के वीर सपूतों के लिए यज्ञ करवाई जाएगी। लगभग 150 ब्राह्मण आकर के यज्ञ करेंगे यहाँ पर 1 मार्च से 8 मार्च तक। प्रतिदिन भागवत कथा होगी, संतों का सम्मेलन होगा, पूरे भारत के संत आ रहे हैं, राजनेता भी पूरे आ रहे हैं और साथ ही साथ बागेश्वर हनुमान जी की कृपा से प्रतिदिन एक ना एक कार्यक्रम होगा और 8 मार्च को 151 बरातें आएंगी। प्रतिदिन दोनों समय भंडारे में बधाम पर तो चलते ही है, लगभग 30,00,000 लोगों की व्यवस्था की जा रही है। जितने भी आज मंगलवार को आए हैं हमारा निमंत्रण स्वीकार करो। सभी जन्म को सीताराम, हमारा निमंत्रण स्वीकार करो। भले ही एक दिन के लिए आइयो, तुम लोग हमारे परिवार के सदस्य हो, बेटियां तुम्हारे लिए तुम्हारे परिवार की ही है और माता पिता जिनके नहीं है उनके माता पिता बनकर के एक दिन के लिए जरूर आइयो। कहो सीताराम, जोर से बोलो सीताराम, बोलो बागेश्वर धाम की, दरबार की। और 3 मार्च को बागेश्वर धाम पर महादरबार लगेगा, पर्ची लाना, कथा पंडाल में ही सुबह लगेगा। और 5 मार्च को उसी यज्ञ में सन्यासी बाबा की साधना दी जाएगी। साधकों को आप सबको निमंत्रण है, जगह जगह सब लोग अपने गांवन में सभा निमंत्रण दे दियो हमारी तरफ से, ठीक, हमारी तरफ से बता रही हो भैया बागेश्वर वाले पगला गुरु जी ने निमंत्रण भेजा है, सब लोग सबको निमंत्रण करें। हमारे जुआन हो भाई, हम लोग गड़बड़ मत, हम एक जगह कथा कर रहे थे तो हमारी आदत है बीच बीच में हम ऐसे हाथ फेर रहे थे, एक लड़का दवाई लेके आ गया, हमने कहा ये क्या है, बोले जुआ मारने की दवाई के कटाका है, हमें जुआ वो तो बीच बीच में जब पसीना आता है तो खुजली होने लगती है, हमारी आदत है, कई लोग खुजली को दबा देते हैं, हमारी भी दबती है, हम खुजा देते हैं, जो है तो सामने सही बता दिया कि कई लोगों को लगे गुरु जी को जुमा है, हमें इतने घिना थोड़ी। सीताराम, जोर से बोलो सीताराम, और जोर से बोलो। पुरानी पेशी का दरबार है, आपको पता होगा कि अब प्रेतराज सरकार का दरबार शनिवार को लगने लगा, हर शनिवार को प्रेतराज सरकार का दरबार लगने लगा। एक आज की नई सूचना और घोषणा ये है कि मंगलवार और शनिवार को प्रेत रोगी आने में 2-2 बार खर्चा होता है। हमने गुरुजी से पिछली बार अर्जी लगाई थी तो उन्होंने आज्ञा दे दी, जिनको प्रेत बाधा है उन रोगियों के पर्चे शनिवार को ही मान्य होंगे चढ़ना, और बाकी कल से दिव्य दरबार लगातार वहां पंडाल में लगता रहेगा। आगामी सूचनाएं आपको प्राप्त हो ही गई, प्रेम पूर्वक रहो, मुस्कुराते रहो, पेशी का नियम करते रहो। एक बात और बताओ, आप एक समस्या का समाधान चाहते हो या प्रत्येक का? हाथ उठाओ दोनों जो प्रत्येक का चाहते हैं, हाथ नीचे कर लो, काम आएंगे। हमारी 3 शर्तें हैं, मानोगे? चलो पहली शर्त सुनो, आज से हमारे चक्कर में ना पड़ रहा, हम तो मूर्ख नालायक कवाली आदमी है, पापी जीव है, हमारे चक्कर में ना पड़ना ही है। जिनके बल पर हम धर्म विरोधियों को ललकारते हैं उन बागेश्वर बालाजी के चक्कर में पड़ना। दूसरी शर्त सुनो,
लहसुन प्याज मांस मदरा बंद करके महीने में एक बार शनिवार या मंगलवार की पेशी करना प्रारंभ कर दे। और तीसरी सर, बालाजी के चरणों में जाकर कह देना अब हमने बहुत भटक लिया, हमारा कोई नहीं है, आज से तुम हमारे जाओ। बागेश्वर बालाजी की कृपा से जब जब संकट आएगा, संकट मोचन बनकर बागेश्वर बालाजी की सेना और सन्यासी बाबा तुम्हारे साथ खड़े नजर आएंगे। जाओ, तुमको हाथ में दे दो बेटा, पूरी मताई को वो दे दो हाथ, माँ का भी प्राण दे दे, लो मताई हमने ओढ़ लो। ठंडी बहुत लगती, थैंक यू। जय जय बजरंग बली, आशीर्वाद। अच्छा, पुस्तक सनातन धर्म क्या है, किस किसने पढ़ी? हाँ, सनातन धर्म क्या है पुस्तक हमारी, जो हमने जो 5 दिन अज्ञातवास में लिखी थी, वो अब यही कार्यालय में मिलने लगी है, और उसको पढ़ने के बाद धर्म विरोधियों के पनपना खड़े हो जाएंगे। हाँ, उसमें हमने लिख दिया कि तुम्हारे में तो बकरा काटना धर्म है, हमारे यहाँ तो अहिंसा परमो धर्म है। हमने उसमें लिख दिया तुम्हारे यहाँ शादी होने के बाद तुम 3 बार कह देते तलाक तलाक तलाक, तलाक हो जाता है, हमारे में शादी अनुबंध नहीं है, 7 जन्म का संबंध है। कई लोगों को मिर्ची लग गई, अब किसी को मिर्ची लग गई तो हम क्या करें, हम तो ऐसी पुस्तकें लिखते रहेंगे। आप उसको पढ़ेंगे तो आपको सनातन की संपूर्ण संक्षिप्त जानकारी निश्चित रूप से प्राप्त होगी। मुस्कुराते रहो, हंसते रहो, यज्ञ का पुनः निमंत्रण है, हम लगातार अभी तैयारी में व्यस्त हैं, 18-19 घंटे अभी हमारी ड्यूटी सेवा चल रही है। अब हम आप सबकी सामूहिक अर्जी लगा देते हैं, टोकन नंबर बैठे 2000, अब हमें बेफ्री करने दरबार हॉल में बैठ कर पर्चा चढ़ाने, उनकी भी ट्रेन बस रहती है, आप लोगों की भी रहती है, कल दरबार लगाएंगे। भंडारा खा लिया तुम लोगों ने, दर्शन भाई बालाजी के हो गए, परिक्रमा कर लिया। अच्छा, जाओ, सबकी अर्जी स्वीकार है, अब जाओ, जब स्वीकार ही है तो जाओ। मैं प्राण खाए बिना, अच्छा बैठो बैठो, दोनों हाथों की मुट्ठी बांध लो, सामने कर दी बैठ जाओ, मुट्ठी जी हाँ जी लगा लो, जी बैठ के लगाई। अच्छा बैठ, हाँ जी दे दो। और हे बागेश्वर धाम प्रभु, राजा आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। हे बागेश्वर बालाजी, हे सन्यासी बाबा, आजीवन पर्यंत आपके चरणों से, आपके धाम से, आपके दरबार से हम जुड़े रहेंगे, हम आते रहेंगे, वचन देते हैं, परंतु हमारी अर्जी सुनो, हम पर कृपा करो। आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। मनी मन बागेश्वर बालाजी को प्रणाम कर लो, सन्यासी बाबा दादा गुरु जी को, अपने अपने माता पिता को प्रणाम कर लो। अब हमारे साथ बोलो, ओ बागेश्वराय नमः, ओ हम हनुमते नमः, देवाय नमः। मनी मन बालाजी को, दादा गुरु जी को प्रणाम करो, सन्यासी बाबा को प्रणाम करो। पूज्यपाद श्री बागेश्वर बालाजी और सन्यासी बाबा ने हमको यह उपाय दिया था, जो भी भक्त सामूहिक अर्जी लगाएंगे, महीने में एक बार शनिवार या मंगलवार की पेशी करना प्रारंभ कर देंगे, नियम का पालन करेंगे, बिना पर्चा बने ही रोग में, संकट में, व्याधि में, पीड़ा में तत्क्षण आराम लगने लगेगा, काम सफल होने, और ज्यों ज्यों पेशी बढ़ाएंगे त्यों त्यों बागेश्वर बालाजी की कृपा
और अर्जी भी स्वीकार। आप लोग जो भी अर्जी लेकर, विषय लेकर, प्रश्न लेकर, जिज्ञासा लेकर आए हो, मन ही मन अपनी अर्जी को 3 बार बोल दो, हम उपाय कर देते हैं। ओम ओम। स्वीकार करो, हम पर कृपा करो, हम वचन देते हैं जीवन पर्यंत आपके चरणों से, आपके धाम से हम जुड़े रहेंगे, नियम भी करेंगे। लेकिन हे बालाजी, हमारे घर में जो भी अलाय बलाय, जो भी बाधा, जो भी पीड़ा हो, आप तो कलयुग के राजा हो, हे बागेश्वर बालाजी, हे सन्यासी बाबा, आप पर तो सिद्धियां हैं, शक्तियां हैं, उनके बल पर हमारे घर की संकट को, कलेश को दूर कर दो। आपके अलावा कोई नहीं है। हम वचन देते हैं जीवन भर आपके चरणों से जुड़े रहेंगे, बेसी भी करेंगे, लेकिन सेना भेज दो। ओम बम बागेश्वराय वीरवीराय फट स्वाहा। ओम बम बागेश्वराय वीरवीराय फट स्वाहा। ओम बम बागेश्वराय वीरवीराय फट स्वाहा। मणिमन बालाजी को प्रणाम करके सन्यासी बाबा को प्रणाम करो और दाहिने हाथ की मुट्ठी का सिर के ऊपर से 7 बार उतारा करो। बालाजी के चरणों की तरफ छोड़ो। बाएं हाथ की मुट्ठी का उल्टा उतारा करो 6 से 7 बार। इसे भी बागेश्वर बालाजी के चरणों की तरफ छोड़ दो। अब दोनों हाथों को आपस में मलो। ओम बागेश्वराय नमः। ओम बागेश्वराय नमः। ओम बागेश्वराय नमः। ओम बागेश्वराय नमः। एक बार आंखन में लगा लो, शरीर में जहां पीड़ा हो स्पर्श करा लो। जाओ, तुम्हारे घर पर बागेश्वर बालाजी की सेना पहुंच जाएगी। जाओ, तुम्हारी अलाय बलाय दूर हो जाएगी। तुम नियम पेशी का पालन करो। जाओ, तुम्हारी अर्जी स्वीकार है। जाओ, तुम्हारी जय जय हो जाएगी। जय सियाराम। पीछे तक, ऊपर भी वालों तक, जो जहां विराजमान, सबको आशीर्वाद मंगलवार का। हम अब पेशी चढ़ाना प्रारंभ कर रहे हैं। जिनको ऊपरी बाधा है, वो दोनों हाथों की मुट्ठी बांध लो। हम सेना को यहीं लगा देते हैं, फिर हम दरबार को अंदर प्रारंभ करके पेशी चढ़ाते हैं। और प्रेतराज सरकार का दरबार शनिवार को लगेगा। और कन्या विवाह में कौन कौन आ रहा है, जरा हाथ उठाओ। पक्का पक्का चलो, आना है। जय सियाराम। बाधा वाले रोगी हमको दोनों हाथों की मुट्ठी बांध ले। सेनापति तुरंत दरबार में आवे। बैठ जाओ आंटी, थोड़ी देर और बैठ जाओ। तना जो जहां प्रेत रोगी है उनको पिटाई शुरू कर दी, क्रिकी जावे, चमीजा की मार लगाई जावे। सन्यासी बाबा की, दरबार की, श्री प्रेतराज सरकार की, साधु जी पागलो, ओ बागेश्वर धाम के पागलो, ऐसे ही हंसते रहो, हंसा करो, हंसाया करो। बागेश्वर धाम तुम्हारे पाप का घर है, आया जाया करो।
मानसिक नाना प्रकार की व्याधियों से ग्रसित, जो रोग से ग्रसित हैं, पीड़ा से ग्रसित हैं, संकटों से ग्रसित हैं, जो भी बागेश्वर धाम पर आकर के नारियल बांधकर 21 अथवा 31 पेशी करने का नियम करता है, बागेश्वर हनुमान जी महाराज की कृपा से चाहे जैसा संकट हो उसका संकट मुक्त हो जाता है। जय श्री राम। लाखों लोगों की बिगड़ी बागेश्वर बालाजी ने बनाई है, जा पागलो तुम्हारी भी बिगड़ी बागेश्वर बालाजी बनाए। यहाँ हमारी महिमा नहीं है, हम तो साधारण मनुष्य हैं, हम तो पापी जीव हैं। याद रखना मेरे पागलो, बागेश्वर हनुमान जी का स्वयंभू रूप में यहाँ पर प्रकट होना हमारा मानना ऐसा है, पूरे भारत में वर्तमान में इस कलिकाल में सनातन धर्म के ऊपर लगातार उंगलियां उठाई जा रही थी, सनातन धर्म को लगातार नीचा दिखाया जा रहा था और भोले भाले हिंदुओं को पूजा पाठ के नाम पर, चमत्कार के नाम पर धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा था। हमारा मानना है ऐसे लोगों के मुंह पर तमाचा मारने के लिए ही बागेश्वर बालाजी का दिव्य दरबार लग रहा है। और आज केवल पूरे भारत में ही नहीं, मेरे पागलों विदेशों से भी अंबरत, चाहे अमेरिका हो, यूएसए हो, चाहे कनाडा हो, ऑस्ट्रेलिया हो, अनेक लोग बागेश्वर हनुमान जी की कृपा को महसूस कर पा रहे हैं और बागेश्वर हनुमान जी की कृपा से अपनी खाली झोली को भरवा रहे हैं। मेरे पागलों, हमारा उद्देश्य ना तो भीड़ जोड़ना है, धन तो हम तुमसे लेते नहीं तो धन का कोई अपेक्षा नहीं, हमारा उद्देश्य तो सिर्फ और सिर्फ इतना है कि तुम्हें जगह जगह दरबार में ना भटकना पड़े, तुम्हें जगह जगह तंत्र और टोटकाओं के चक्कर में ना पड़ना पड़े। और इस भारत में आज तक तथा कथित लोगों ने भारत के भोले भाले सनातनीय हिंदुओं को भूत पकड़ाए हैं, हम भारत के लोगों को भगवान पकड़ा करके जाएंगे। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। जोर से बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। और मेरे प्रियजनों, याद रखना इस कलिकाल में कोई भी व्यक्ति चमत्कार नहीं कर सकता, ना तुम इंसान के चक्कर में पड़ो ना तुम हमारे चक्कर में पड़ो, पढ़ना ये तुम्हें जिनके बल पर हम धर्म विरोधियों को ललकार दे, जिनके बल पर हम तुमको रास्ता दे देते, जिनके बल पर हम तुम्हारे संकट मिटाने का उपाय बता देते, बागेश्वर हनुमान जी महाराज के चरणों को पकड़ो। क्या बात है। और देवता चिंतना धरही हनुमत से संकट कटे, जो सुमरे हनुमत पत निरंतर। काम कौन हनुमान जी के चरणों को पाना चाहता है, हाथ नीचे कर लो, काम आएंगे। गांठ कान खोल कर सुन लो, गांठ बांध लो मेरे पागलों, पर्चा से चमत्कार नहीं होना है, न मन की बात जान लेने से चमत्कार होना है, ये तो हनुमान जी का पर्चा बनाना तो एक बहाना है, असलियत में तुम्हें बालाजी का बनाना है। जो हनुमान जी ने हमें कृपा दी, जो हनुमान जी ने चूरन चटनी दी, चाहे उसे आप सिद्धि कहो, चाहे उसे आप कृपा कहो, या तुम्हारे मन में जो भी आवे, तुम महाबदमाश आदमी हो, जो तुम्हारे मन में आवे वो मानो। हम इतना तुम्हें बहुत विनम्रतापूर्वक प्रार्थना करके, मेरे प्रियजनों, तुम हमारे परिवार के सदस्य हो और हम नहीं चाहते कि तुम्हें दर दर भटकना पड़े, हम नहीं चाहते कि तुम्हारी कोई हंसी उड़ाए, हम नहीं चाहते कि तुम्हारी आंखों में आंसू रहे, हम नहीं चाहते कि तुम्हें तांत्रिकों के चक्करों में पड़ना पड़े। बागेश्वर हनुमान जी ही सर्वसमर्थवान है। आवाज आ रही है। बोलो सीताराम। सीताराम। बोलो हाथ भाग के बोलो बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, दिव्य दरबार की। जरा निकल जाने लो भैया, चार पैर वाले बेचारों अर्जी लगा दिया, निकल जाने दो, निकल जाने दो। अब दो पैर वाले आते हैं तो चार वाले आ गए तो क्या गड़बड़ होते। आज अत्यधिक समुदाय शनिवार के महादरबार में है, आप सबको प्रसन्नता होगी। अब प्रेमराज का दरबार हर
हर शनिवार को लगेगा। अब जो लोगों को मिलने की दिक्कतें होती थी, हमने प्रण ले लिया, हर महीने में 15 दिन हम बागेश्वर धाम पर रहेंगे। और एक बात मेरे पागलों, तुम निराश ना हो कि हम तुम्हें मिल नहीं पाए, हम भले ही ना मिल पाए, बात भले ही ना हो पाए, तुमने अगर नियम का पालन किया तो काम तो सफल होकर के ही रहेगा। और ये भी तय है, एक दिन हम तुम्हें जरूर मिलेंगे। बोलो सीताराम, जोर से बोलो सीताराम, जोर से बोलो सीताराम, और जोर से बोलो सीताराम। बोलो बागेश्वर धाम की जय, नाथजी बाबा की जय, पार्वती मते हर 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 महादेव, महादेव साधु जी सीताराम, माला जी सीताराम। एक दो कमियां हैं, बैठने की व्यवस्था कम है, लेकिन क्या करें, व्यवस्था तो ज्यादा है, पागल ही पागल ज्यादा। बैठने की व्यवस्था तो खूब है, पर पागल ज्यादा आ जाते हैं तो गड़बड़ हो जाती है। लेकिन चिंता ना करो, अब बहुत बड़ा बड़ा वो बन रहा है, तीन सेट तो बन गया, वहां दरबार लगा भी था, लेकिन थोड़ा टाइल्स नहीं लगी थी, अब टाइल्स लग गई, 100x300 का खूब बड़ा तीन सेट बन गया, वहीं पर मिलेंगे सबको, ठीक है। और हाँ एक बात, और हम तुम्हारे प्राण नहीं छोड़ने वाले, तुम्हारे पीछे पड़े ही रहेंगे, कब तक, जब तक तुम हनुमान जी के नहीं हो जाओगे, तब तक पीछे लगे रहेंगे, जब तक तुम्हारी विपत्ति नहीं मिट जाएगी। हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि तुम्हें जगह जगह ना भटकना पड़े, तुम्हें जगह जगह दरबारों में ना भटकना पड़े, तुम्हें जगह जगह धर्म गुरुओं के चक्करों में ना पड़ना पड़े, और तुम हंसी के मजाक के पात्र बनो, और तुम्हारी कोई हंसी ना उड़ाए, और तुम्हारी आंखों में आंसू ना रहे, हमारा केवल इतना ही उद्देश्य है। बोलो जय सियाराम, जय सियाराम, जोर से बोलो जय सियाराम। आगामी सूचना ये है, 14, 15 और 16 तारीख को शरणागति मंत्र दीक्षा है, और 14 तारीख से कथा प्रारंभ है, 22 तारीख को सामूहिक शिष्य मिलन समारोह है, 27, 28, 29 तारीख को कुमार विश्वास जी की कथा है, 1 मार्च से 8 मार्च तक बागेश्वर धाम पर महायज्ञ होने जा रहा है। भारत का ऐसा पहला तीर्थ बागेश्वर धाम है जहां की दान पेटियों से गरीब बेटियों का विवाह करवाया जाता है। 8 मार्च को है, और दान पेटियों को एक एक मोटरसाइकिल दे रहे हैं, तो हम दुनिया के सबसे छोटे संधि बन रहे हैं। देखो वो बेटियां हैं, बेटियां तो हम हो गए बाप, अब लड़का तरफ के जो लगेंगे वो समधी लगेंगे, और उनकी घरवाली समधन लगेगी। लड़का का बाप समधी लगेगा, और लड़का की माता जी हमारी समधन लगेगी। बताओ दुनिया के हम सबसे छोटे समधी है कि नहीं। अब समधन यहाँ धोलिए शादी के बारे में, तो बात बता रहे तो हमको उल्टा समझो। सीताराम सीताराम, जोर से बोलो सीताराम, और जोर से बोलो सीताराम। 1 मार्च से 8 मार्च में महोत्सव है, हमारा निमंत्रण सब लोग स्वीकार करो। सज्जने आइयो भलो, और पता है तुम्हें यही सामने वहां टेंट लगने लगा, वहां देखो टेंट लगने लगा, 100 एकड़ में आयोजन है, और अब पैदल भी नहीं चलना पड़ेगा, पार्किंग भी हमने पीछे करवा दी है, मात्र 500 मीटर की दूरी पर पार्किंग है, यही भंडारा का रोज भागवत कथा, बहुत बड़े बड़े कलाकार आ रहे हैं, कुमार विश्वास भी आ रहे हैं, और वो आ रहे हैं, हम लोगों ध्यान कर रहे हैं, ध्यान है, कन्हैया में मित्तल आ रहे हैं, कीर्तिदान करवी आ रहे हैं, पराग आ रहे, और तुम्हारा खेसारी लाल है, वो भोजपुरी के मनोज तिवारी आ रहे, अब और आ रहे, अब है, अब वो भी आ रहे, रघुआ भी आ रहे, और बाकी तुम अपने हिसाब से उन पर टेंट पर देख लगी आ जाए, सब लोग आ रहे, कथा भी हो रही, भारत के सब संस्कार है, जितने लोग यहाँ पर है हमारे पागल, सब जगह हमारा निमंत्रण स्वीकार करो, और जाओ आ
आज जितने लोग आए सबकी अर्जी स्वीकार है। अर्जी का दरबार लगेगा शनिवार और मंगलवार नहीं लगता है। आज शनिवार को भूतन को लगने अभी भूत प्रेत वालन के मार डाल लें। और कल जो है नई अर्जी का दरबार लगेगा। पर्चा वाला जो आपको तो मानव जीवन की दहेज में बहुत समस्याओं का समाधान बालाजी की कृपा पानी है। एक बात बताएं क्या? तो बता, प्रत्येक समस्या का समाधान कौन कौन चाहता है? हाथ बता, हाथ नीचे का तो काम है। हमारी तीन शर्तें हैं, मानोगे? पक्का? जोर से बोलो। तो पहली शर्त, आज से हमारे चक्कर में ना पड़ना। हम तो मूर्ख ना लायक है, अनपढ़ गवार है, हम तो बहुत ही कवारी आदमी है। हमारे चक्कर में मत पड़ना, पड़ना ही है। जिनके बल पर हम तुमको रास्ता दे देते, तुम्हारे जीवन में चमत्कार करवा देते हैं, ऐसे बागेश्वर हनुमान जी के चक्कर में पड़ जाना। दूसरी शर्त पूछो क्या है? दूसरी शर्त, लहसुन प्याज मांस कंदरा बंद करके महीने में एक बार शनिवार या मंगलवार की पेशी करना। 21 पेशी 30 पेशी करने का नियम ले लेना। जाओ, रोग हो, संकट हो, व्याधि हो, बाधा हो, अलाय बलाय हो, कोई काम आज तक यहां से खाली हाथ नहीं गया, तुम भी खाली हाथ नहीं जाओगे। तीसरी शर्त, बालाजी के चरणों में चले जाना, कह देना हमने बहुत धक्के खा लिए, बहुत हो गया, आज से तुम हमारे हो गए और हम तुम्हारे हो गए। उसके बाद समझ हमें कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। याद रखना मेरे पागलों, एक ही साधन, सब सदैव सब साधन सब जाए, एक साधो सब साध लोगे। अब कलयुग के देवता कौन है? बोलो 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 बोलो, राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र। कौन है? हनुमान जी महाराज। क्यों? कवन सुकाज कठिन जग माही, और जो नहीं हो ही दास तुम पाही। हनुमान जी के लिए कोई भी काम कठिन, और तुम्हें जगह जगह हू अल्लाह वालों के चक्कर में नहीं पड़ना है, अली उल्लाह वालों के भी चक्कर में नहीं पड़ना है। मेरे पागलों, हम उन्हीं की ठटनी बारने के लिए आए हैं। यह भारत राम का है, राम का ही रहेगा, और हम जब तक जिंदा रहेंगे, भले ही धर्म विरोधी चाहे हमारे जितने पीछे लगे रहे, हम भारत में राम राज्य हिंदू राष्ट्र बना करके ही मानेंगे। बस तुम हमारा साथ भर दो, हम मिलकर तुम्हें हिंदू राष्ट्र देंगे। हमारी और कोई इच्छा नहीं है, हमारी और कोई ना कामना है। हनुमान जी महाराज की खूब कृपा है, हमारी तो सिर्फ यही इच्छा है कि तुम्हें जगह जगह ना भटकना पड़े, तुम्हें रोना ना पड़े, तुम्हें अपनी जिंदगी में परेशानियां ना झेलनी पड़े। हमारी सिर्फ यही चिंता है मेरे प्रिय जनों, मेरे पागलों, तुम सदा सदा के लिए हनुमान जी के हो जाओ, हनुमान जी तुम्हारे हो जाए। और आज कितने भी लोग दरबार में आए, जगह जगह बैठे, जाओ, सबको आशीर्वाद है, आज से तुम सबकी अर्जी स्वीकार है। जाओ, तुम्हारी सबकी अलाय बलाय भग जावे। जा, तुम सबके ऊपर बागेश्वर बालाजी की कृपा हो जावे। बोलो सीताराम। जोर से बोलो सीताराम। और जोर से बोलो सीताराम। सीताराम साधु जी। सीताराम बोलो बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, दरबार की। कपड़े, पीली आसन, नारियल, गंगा जल का लोटा, सुपारी, जनेऊ, इतना सामान लेकर के आप आएंगे, आपको सन्यासी बाबा की साधना दी जाएगी। यह साधना हम इसलिए दे रहे हैं, हमारा तो कोई ठिकाना नहीं, लगातार धर्म विरोधी जिसके पीछे लगे, हम कईयों की जगह जगह ठटनी बांध रहे हैं, इसीलिए
हम चाहते हैं हमारे साथ ये जो सिद्धि है ये चली ना जावे, तो हम भले ही ना रहेंगे पर भारत में धर्म विरोधियों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हनुमान जी की कृपा वाले रहेंगे। जो बड़े बड़े बुद्धिमान कहते थे भगवान नहीं होते, दिव्य शक्तियां नहीं होती, ये सब झूठ और कपोल कल्पना है, उनकी ठजरी बन गई। बड़े बड़े कैमरा वाले खोल खोलने आए थे, आगे के लगे अपनी खुलवा कर गए। पर भारत में ही नहीं, आप लोगों के आशीर्वाद से हमने लंदन में भी हनुमान जी का बंधन करवाया। वहां की संसद में बैठकर 9 मिनट तक हमने वहां पर प्रवचन सुनाए, जय श्री राम बुलवाए और अंग्रेजों की, हमने जब उन्हें एक अंग्रेज आओ तुमको बहुत बड़ों का दिखा, पहले तो जूता पहन के आओ, टोपी ओपी लगा के आओ, हमारा दिमाग धस गया। बुंदेलखंडी आदमी चीजें सारे आदमी हम सब चीजें सच्चे, हमारा दिमाग खराब हो गया, हमने तो उनकी चमत्कार देखा, दिमाग खराब हो गया, बिजनेसमैन वेरी पावरफुल। अब हमने उसको कहा आई एम नॉट पावरफुल बट लॉर्ड हनुमान जी वेरी पावरफुल, वो भी मैं चेला बन रहा हूँ। ये हमारी महिमा नहीं है, किसकी महिमा है? बोलो बोलो बोलो, किसकी महिमा है? बागेश्वर बालाजी की। जो भी ओम बागेश्वराय नमः मंत्र का जाप करेगा, लहसुन प्याज बंद रखेगा, देसी का नियम करेगा, रोग हो संकट हो व्याधि हो अलाय बलाय हो व्यापार कार्य हो गृहस्थ का कलेश हो, 3-13 उपाय टोटका करने की आवश्यकता नहीं, कर्तव्य करो अपना कर्म करो, किसी भी प्रकार से किसी अंधविश्वास के चक्कर में मत पड़ो। बागेश्वर हनुमान जी इसीलिए साक्षात रूप में विराजमान है, आप जितना उपाय भर करो पेशी भर करो, कोई भी तुमको अन्य नियम करने की आवश्यकता नहीं है, काम सफल होगा, होगा मतलब होकर के ही रहेगा। बोलो जय सियाराम, जय सियाराम, जय सियाराम, जय सियाराम, साधु जी बालाजी पागलो, जोर से बोलो, बोलो बागेश्वर धाम की। वरना आजकल दरबारियों की भी कमी नहीं है, आजकल दरबार लगाना बड़ी बात थोड़ी है, बस 2-4-5 चीजें तुम सीख लो तुम भी दरबार लगाने लगोगे, लो हम तुम्हें सिखाएंगे, कोई भी तुम्हारे सामने आज में इतना कह देना है कमाते बहुत और रुकता नहीं, तो सबके साथ में दूसरी बात कह देना, तुम्हारे परिवार के लोग टांग बहुत खींच रहे हैं, वो तो सबके साथ अमेरिका वालों को क्या लेना देना। तीसरा 99% काम हो जाता है, 1% रह जाता है, बहुत लोगों के साथ हो रहा है, बस चौथा कह देना तुम्हें मरखट मकान का भूत लगा है, बस तुरंत आदमी पागल हो जाएगा, चक्करों में बिल्कुल भी ना। और ये बात कोई नहीं बोल सकता, हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ना तो हमारी कोई दुकान है, हमारा उद्देश्य है भारत के अंधविश्वास मिटाना, इसलिए ओझा तांत्रिकों के चक्कर में क्या ना करें, नहीं पड़े। किसके चक्कर में पड़े? हनुमान जी बालाजी के चक्कर में पड़ो, तुम हमारे भी चक्कर में मत पड़ो, हमारे भी पीछे मत भागो, हम तो मूर्ख नालायक हैं, हमारे पीछे भागने से कल्याण नहीं होगा, हम सिर्फ तुम्हें बताने जगाने आए हैं, हम तुम्हें सिर्फ जगाना चाहते हैं, हम तुम्हें सिर्फ हनुमान जी से जोड़ना चाहते हैं। मेरे पागलो, किसी भी माँ का पुत्र होता है बेटा होता है, माँ जिसके लिए पिता कह देती है वह बेटा, आप मूंद करो उसे कोई पिता देता है, और जब तक माँ कहे ना बताए ना तब तक पिता का परिचय हो ही नहीं सकता, पिता का परिचय करवाने का काम माँ का होता है, उसी प्रकार परमात्मा का परिचय करवाने का काम महात्मा का होता है। मेरे पागलो, ये वो भूमि है, ये वो तीर्थ है जहाँ सन्यासी बाबा ने
प्राप्त किया था और तपोवन के प्रभाव से श्री बागेश्वर हनुमान जी को प्रकट किया था। मेरे प्रियजनों, मेरे पागलों, हम तुम्हें चमत्कार दिखाने के लिए नहीं बैठे, तुम्हारी केवल मन की बात बताने के लिए नहीं बैठे, और केवल मन की बात बताने से तुम्हारा कल्याण होना भी नहीं है, या तुम्हारे केवल पर्चा बना देने से कल्याण नहीं होना है। हमारे पास जो भी चूरन चटनी कृपा या सिद्धि है, हम अक्सर एक प्रार्थना हनुमान जी के चरणों में करते हैं कि हे बालाजी, हम किसी के पाप का नाम बता पाए या ना बता पाए, पर जो दरबार में आवे उसकी समस्या का समाधान हो जाए। बालाजी की अपनी कृपा, आज तक कोई खाली हाथ नहीं गया। मेरे प्रियजना, मेरे पागलो, तुम उनके चरणों को पकड़ो और अपना पुरुषार्थ करो, जगह जगह मत भटको, मत अपना समय बर्बाद करो। भगवान के ऊपर से वरना तुम्हारा भरोसा उठ जाएगा, तुम्हें जागना ही पड़ेगा। आज नहीं तो कल हम तुमको एक ऐसी कुंजी देकर के जाएंगे कि तुम्हारी पीढ़ी दर पीढ़ी कभी संकटों में नहीं फंसेगी। जब तुम संकट मोचन के हो जाओगे तो संकट तुम्हारा बाल बांका नहीं कर पाएंगे। संकट मोर गरीब को जो तुमसे नहीं जात है तारो, देवी हरो हनुमान महाप्रभु, जो गति संकट हो ये हमारो, वो नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन। बोलो संकट मोचन हनुमान जी महाराज की, बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, दिव्य दरबार की, नमः पार्वती पते हर 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 हर। किसी भी प्रकार का दान शुल्क फीस दक्षिणा नहीं देना है। बागेश्वर धाम एक ऐसा दरबार है जहाँ हाजिरी निःशुल्क, रुकना निःशुल्क, दोनों टाइम भंडारा निःशुल्क। अब हनुमान जी के प्राण चाहते हो क्या? इसीलिए किसी भी प्रकार का शुल्क भी दान तुम्हें अगर इच्छा है बेटियों के विवाह में देना है या धाम के लिए देना है या भंडारा करवाना, हमें दे सकते हो, हम सब पचा लेंगे। तुम अपना मकान, फ्लैट, बंगला, सोना चांदी, बैंक की एफडी, लुगाई लड़का छोड़ के सब दे सकते, लेकिन दरबार के नाम पर किसी भी प्रकार का शुल्क फीस दक्षिणा नहीं देना है। तुम तो भजन करो, नाम जप करो। अब आज का हम दरबार शुरू करते हैं, बहुत लेट हो गए, तुम लोगों को भी खड़े होने में दिक्कत हो रही है, बहुत पुरुषार्थ से खड़े हो, हम समझते हैं क्या बताएं। हम भी कोशिश करते हैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिलें, सबको मिल लें, पर क्या बताएं, हमारा भी बुढ़ापा आ गया। हाँ, हम ज्यादा देर बैठते हैं तो थक जाते हैं, पेट कहने लगता गुरु जी रसगुल्ला दे, आंखें कहने लगती गुरु जी सो जाओ, फिर भी हम बैठते हैं। लेकिन हाँ, चिंता मत करो, हमारे तन में जब तक प्राण रहेंगे तब तक हम मानव होकर मानव के काम आएंगे। और एक बात और बोले, हम तुम्हारा पीछा भी नहीं छोड़ने वाले। कब तक? जब तक तुम हनुमान जी के नहीं हो जाओगे, तुम हमसे तुमसे मिल नहीं पाए, तुम नाराज होकर चले जाओगे तो गुरु जी मिलते ही नहीं। हम तुम्हारे घर पे संस्कार टीवी पे आए, तुम टीवी बंद कर दोगे देखना, मोबाइल तो चलाओगे, हम यूट्यूब में आ जाए, तुम यूट्यूब बंद कर दोगे, अपने गांव में तो रहोगे, हम कथा करने के लिए तुम्हारे गांव में आए, तुम हमारी कथा में नहीं आओगे, सोओगे तो हम सपने में आए, तब तो तुम भी कहोगे चल मन भागे सर धाम। बोलो सीताराम। अब दोनों हाथों की मुट्ठी बांध लो, बहुत लोगों की ट्रेन बंद गाड़ियां होती हैं, हम देख कर देंगे, हम क्या बताएं, हमें कल पूरी रात सुबह जगाते रहे बीमार, बहुत से रोगी थे, कैंसर वाले और किडनी वाले, उन सबका कल रात भर इलाज करते रहे, हम फिर बिजी हो गए, सुबह 6 बज गए, 3:30 बजे यहाँ से गए, फिर भोजन किया, फिर 6 बज गए, फिर आज आँख ही नहीं खुल रही थी, बड़ी मुश्किल से खुली, अब भोजन की दरबार लगाई, मैंने काम ही कर दी, लगा लोग जाके यात्रा में आमान, दोनों हाथों की मुट्ठी बांध, हे बागेश्वर धाम प्रभु, हे बालाजी महाराज, हे सन्यासी बाबा, हे कलियुग के राजा, हमारी अर्जी सुनो, हम पर कृपा करो, आपकी जय हो, आपकी जय
जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। हे बागेश्वर बालाजी, हे बागेश्वर बालाजी, हे सन्यासी बाबा, हे सन्यासी बाबा, हे दादा गुरुजी, हे दादा गुरुजी, आजीवन पर्यंत, आजीवन पर्यंत, आपके चरणों से, आपके चरणों से, आपके धाम से, आपके धाम से, आपके दरबार से, आपके दरबार से हम जुड़े रहेंगे, हम जुड़े रहेंगे, हम आते रहेंगे, हम आते रहेंगे, वचन देते हैं, वचन देते हैं, परंतु परंतु हमारी अर्जी सुनो, हमारी अर्जी सुनो, हम पर कृपा करो, हम पर कृपा करो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। हे बालाजी, हे बालाजी, हे सन्यासी बाबा, हे सन्यासी बाबा, अब नहीं हमें भटकना है, अब नहीं हमें भटकना है, हमारे घर पर सेना भेज दो, हमारे घर पर सेना, हमारे घर पर सेना भेज दो, हमारे घर पर सेना, हमारे घर पर सेना भेज दो, हमारे घर पर सेना भेज दो। मन ही मन बालाजी को प्रणाम करो, आप सन्यासी बाबा को अब हमारे साथ श्री सन्यासी बाबा ने हमें वचन देकर कहा था, बेटा जो भी सामूहिक अर्जी लगाएंगे, लहसुन प्याज मांस खंडरा बंद कर देंगे, महीने में एक बार, दो महीने में एक बार, तीन महीने में एक बार बागेश्वर धाम की अगर पेशी करना प्रारंभ कर देंगे तो बिना पर्चा बनी ही अर्जी स्वीकार हो जाएगी और बालाजी की कृपा हो जाएगी। रोग में, संकट में, व्याधि में, पीड़ा में आराम लगने लगेगा और काम सफल होने लगेंगे। तो आप लोग जो भी अर्जी लेकर, विषय लेकर, जिज्ञासा लेकर, परेशानी लेकर दिव्य दरबार में आप आए हैं, नियम करने का संकल्प ले लो, अपनी मन ही मन तीन बार अर्जी को बोल दो, हम उपाय कर देते हैं और तुम पेशी करना प्रारंभ कर देना 21 अथवा 31 जाओ, बिना पर्चा बने ही कृपा हो जाएगी। ओ ओ ओ ओ हे बालाजी, हे बालाजी, हे सन्यासी बाबा, हे सन्यासी बाबा, हे कलयुग के राजा, हे कलयुग के राजा, हमारी हमारी यह अर्जी स्वीकार करो, स्वीकार करो, हम पर अपनी कृपा करो, कृपा करो, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। हम मन ही मन प्रणाम कर लो पुनः बालाजी को, सन्यासी बाबा, दाहिने हाथ की मुट्ठी का सिर के ऊपर से 7 बार उतारा करो, बालाजी की तरफ छोड़ दो, जरा भैया देख लीजिए जब से चिल्ला रहे हैं। हाँ तो आप क्या कर रहे हो, लेकर के आओ, आप लेकर तक वहां वहीं से समझ कर, बाएं हाथ की मुट्ठी का उल्टा उठा रखा था बालाजी के। अब दोनों हाथों को आपस में मलो, बोलो ओम बागेश्वराय बागेश्वराय नमः नमः, ओम ओम बागेश्वराय बागेश्वराय नमः नमः, ओम ओम बागेश्वराय बागेश्वराय नमः नमः। एक बार आंखों में लगा लो, शरीर में जहां आपकी जागरूक स्पर्श अंदर ले जाइए। अब दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर धाम की जय, सन्यासी बाबा की जय। एक उसकी तल लेते जाओ और मैं लिख लेता हूँ।
हॉल में ले लिया। दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर धाम की जय, नमः पार्वती पते हर 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 हर। जितने लोग हैं वो मुट्ठी बांध लो, आज का दरबार हम प्रारंभ कर रहे हैं। बीच में नहीं तो कल जो है जो अर्जी वाला दरबार है वो कल लगना है। आज प्रेतनाथ सरकार का दरबार में हम तीन चार घंटा व्यस्त रहेंगे, भूत भगाएंगे। आज जितने भी लोग आए हैं सबको आशीर्वाद है, नियम शुरू कर दो और जाओ, एक दिन तुम्हारा पर्चा जरूर बनेगा। अर्जी आज ही स्वीकार है। बोलो सीताराम। भैया अंदर हॉल में पहुंचा, अंदर हॉल में पहुंचा करो। मैं यहाँ पर अन्य तो नहीं बैठे, प्रेत बाधा से अलग, प्रेत बाधा से वो अलग बैठे हैं, बाहर आ जाइए। और प्रेत बाधा से होगी अंदर हो जाइए। चलिए हाँ मुट्ठी बांध लो, जिनको भी जितने भी प्रेत लोग उपाय करते। इसके बाद में राम राम साधु जी बालाजी। अच्छा दर्शन किस किस में कर लिए बालाजी? प्रसाद पा लिया, प्रसाद पा लिया। अच्छा ठीक है, जीवन भर के लिए कौन कौन बालाजी के चरणों से जुड़ना चाह रहा है? जरा हाथ उठा पक्का, जोश में जो हाथ में जाओ, हम भी वचन दे रहे। आज से तुम्हारी समस्या तुम्हारी नहीं है, हमारे बागेश्वर बालाजी की है। जय सियाराम। जाओ तुम अनुभव करोगे तुम्हारे घर पर बागेश्वर हनुमान जी की सेना पहुंच जाए। अब जितने भी बाधा वाले रोगी हैं मुट्ठी बांधो। सेनापति आओ दरबार में। राम पूरी सेना दरबार में बागेश्वर बालाजी की आवे। और समीजा की मान लगाई जा, दादाजी का कार्ड ले लेना। हे सन्यासी बाबा की सेना और तेज उठा पटक की जा रहे। ओम श्री राम 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 राम। जितने भी पीछे प्रेत रोगी है उन्हें आगे आने दिया जाए, और जितने भी रोगी नहीं है वो पीछे हो जाओ। आज्ञा है, पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ। जो प्रेत रोगी नहीं है वो पीछे हो जाओ। ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो जाए। दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर बालाजी की। और मान लगाई जाए सेनापति। और पीछे जितने भी नकारात्मक ऊर्जा वाले हैं इनके गुरुओं ने जितने भी शक्ति भेजी है सब तांत्रिकों की शक्तियों को पीड़ित किया जा रहा है। राम 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 ये सभी प्रेत बाधा वालों को उठा करके भीतर बैठा रहे। चलो केवल प्रेत बाधा वाले होते दीवालन में। ओ भैया पिलर ना तोड़ देते आदि के लगे, देखो तो आदि को लगो पिलर तोड़ लो।
পিলার কালা তোর কাটা तुम बाहर को तो नहीं निकलो निकलो ठीक है बना ली हमारे जान न कटा तोड़ रहा हमें तो दरबार में दे होते हमारा नुकसान कर रहा जो होते टंगे दीवालन पे आशीर्वाद कैसे हो बढ़िया कन्या विवाह में आ रहे अरे भूत वाले भाई साहब डोरी ना तोड़ अब भाई फड़फड़ा गया करंट का पकड़ रहा हूं ना कटा से ए भूत छोड़ दे डोरी आगे के लग डोरी या पकड़ा बड़ी लेन को तार पकड़ इसमें कौन करंट था बड़ी लेन को तार पकड़ मैं पता लगे डोरी क्या हो माता जी आशीर्वाद।